चेक करने के लिए रुका था। तो ये अंकल जी जो पीछे हीरो का जो शोरूम आप देख रहे हैं इधर जॉब करते हैं, तो इन्होंने मेरे को बुलाया चाय पीने के लिए। यहाँ से निकले हैं हम, उसके साथ सफर उतना अच्छा हो तो जितनी हो सके हम मदद करेंगे उसकी। काफ़ी टायरिंग था आज का दिन, बट ओवरऑल मज़ा आया, रास्ते में अच्छे अच्छे लोग मिले। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो गाइज आज डेट हो गई है 29 दिसंबर, और अभी हम दीव में ही हैं और आज दीव से निकल रहे हैं हम। दीव घूम के मुझे बहुत मज़ा आ गया, यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा है बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी सब से मिल के आ गए और सबको बाय बोल दिया, साइकिल भी लोड हो गई है, बस अब निकलने की देरी है। यहाँ से भावनगर 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 2 दिन का हमने रखा है टारगेट कि 2 दिन में पहुँच जाएँ, क्योंकि बीच में कुछ वैसी जगह भी नहीं है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकें। तो ये भाई लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, तो ये उसी देर से साइकिल लोड कराने में इन्होंने मदद करी मेरी। और अभी निकलने का टाइम हो गया, ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं, आज बहुत लेट हो गया निकलने में। तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं आगे आपसे रास्ते में। चलो ठीक है ब्रो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, निकलते हैं। तो गाइस निकल पड़े हैं और यहाँ से अब मेन रोड पे जाना है गली से निकल के। ये अब एक ब्रिज आया है, अभी तक का जर्नी का सबसे अच्छा ब्रिज है, सुंदर। अभी तक मैं गया नहीं, पहली बार जा रहा हूँ, मैं आया था उधर दूसरी साइड से, अभी जाऊँगा ऊना होते हुए। तो वाकई में बहुत सुंदर ब्रिज है ये, आज भी हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। भाई साहब बहुत ही तगड़ा प्रेशर है विंड का, आज भी बिल्कुल भी चलाई नहीं जा रही साइकिल। लगभग हम दीव से बाहर निकल गए हैं और ये देखिए ऊना और भावनगर के लिए हमें सीधे जाना है, और लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो वापस सोमनाथ की तरफ। गाइस अभी हम ऊना शहर में एंटर कर चुके हैं और भूख लग चुकी है, तो कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे, उसी बहाने थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। आपने देखा ही कितना प्रेशर है यहाँ पे हवा का, जैसा मैं द्वारका से निकला था फर्स्ट डे कोस्टल हाईवे पे, एग्जैक्टली उससे भी ज़्यादा हवा का प्रेशर है यहाँ पर। तो अभी तक हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और अभी कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। मैं अभी ऊना से आगे आ गया हूँ और पीछे ब्रेकफास्ट किया मैंने, और यहाँ से अभी 11:30 बज रहे हैं दिन के, और तो ये जो आप देख रहे हैं ये हाईवे है, तो यहाँ से 2-3 रूट जा रहे हैं भावनगर के तरफ,
तो वही मैं यहाँ पे रुका और चेक करने के लिए कि कौन सा रूट ज़्यादा अच्छा है। एक जो ये वाला रूट है सबसे शॉर्टेस्ट है, तो मैं चेक करने के लिए रुका था। तो ये अंकल जी जो पीछे हीरो का जो शोरूम आप देख रहे हैं इधर जॉब करते हैं, तो इन्होंने मेरे को बुलाया चाय पीने के लिए। थैंक यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू आपको चाय पिलाने के लिए। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, थैंक यू हैप्पी जर्नी के लिए। थैंक यू। तो यहाँ से निकलते हैं 180 किलोमीटर अभी भावनगर। भावनगर 180 किलोमीटर है वो। हाँ। भावनगर से तारापुर होके हाँ सूरत जा सकते हैं। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि फेरी से जाने का, वहाँ से सोच रहे फेरी चलती है। फेरी से गोगा से चलती है जिसको ओजीरा तक चलती है। हाँ उसी से जाने का सोच रहा हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं। आज अभी दिन के 1 बज चुके हैं और अभी हम शाम तेर नाम की जगह पर हैं और यहाँ पे रुके थे हम कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मंचूरियन और राइस खाया हमने, तो भैया अभी इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कुछ अभी पैक करके भी दिया है। और वो जो भाई दिख रहे हैं उन्होंने केले दिए हमें रास्ते में खाने के लिए, तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, बहुत हेल्प मिल रही है। तो भैया कुछ बोलेंगे? भाई यहाँ से निकले हैं, हम उसके साथ हैं, सफर उतना अच्छा हो तो जितने हो सके हम मदद करेंगे उसकी। थैंक यू आपको भी, थैंक यू हमें नाश्ता देने के लिए। रास्ते में हम खा लेंगे। तो भाई जब भी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अभी कितना कवर कर पाते हैं। 170 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से भावनगर। तो अभी यहाँ से निकलेंगे 5 मिनट और बैठ के और फिर आगे चलेंगे और आपको फिर अपडेट देते हैं आगे। दिन के 2:30 बज चुके हैं और द्वारका के दिन जिस दिन निकले थे द्वारका से, उस दिन तक कुछ नहीं था हवा का प्रेशर। आज के मुकाबले आप देख सकते हैं मेरे कपड़े किस तरह लहरा रहे हैं हवा से, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 9:30 सुबह निकल गए थे 9:45 के आसपास और बीच में सिर्फ 1.5 घंटे का हमने रेस्ट लिया होगा और अभी तक सिर्फ हम 30 किलोमीटर के आसपास कवर कर पाए हैं। और 2 दिन में पहुंचने का टारगेट था भावनगर, लेकिन अब लग रहा है 3 दिन लग जाएंगे। तो आज अभी शायद शाम को थोड़ा हवा का प्रेशर कम हो जाए तो कवर कर लेंगे, बट अभी बिल्कुल चलाई नहीं जा रही है साइकिल और रेस्ट करेंगे अभी आगे चल के कहीं पे। हालत ख़राब हो गई आज तो। यहाँ पे रुक गए हैं ये अंकल की दुकान पे इधर, और ये जो भाई लोगों ने हमें केले दिए थे वहाँ पे, तो ये अभी खा रहे हैं हम यहाँ पे केले। और थोड़ी एनर्जी भी मिल जाएगी और थोड़ी हवा भी कम हो जाएगी क्या पता थोड़ी देर में, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने ज़्यादा कवर नहीं किया है, 30-32 किलोमीटर के आसपास कवर किया होगा। सो गाइस शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक मुश्किल से हमने 50 किलोमीटर कवर किया, बहुत ही मुश्किल से किया हमने ये। तो अभी सीन ऐसा हो रहा था कि हवा बहुत तेज चल रही है, आप मेरे बालों से और जो कपड़े ऐसे हवा में लहरा रहे हैं उससे आपको पता चल रहा होगा कितनी तेज हवा है। अभी 1.5 घंटे और साइकिलिंग करेंगे, 6:30 बजे के आसपास कहीं रुकेंगे। अभी तो धूप है और अंधेरे होने से पहले तक कहीं चलाते हैं। 70 किलोमीटर के आसपास अगर कवर हो गया तो अच्छा रहेगा कल के लिए हमारे लिए। ओवरब्रिज था ये, तो ओवरब्रिज पे चढ़ के आए हैं, लेकिन जैसे ही ओवरब्रिज हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो उसमें कोई हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा। हमें मुझे लग रहा है कि ओवरब्रिज चढ़ूंगा नीचे उतरने में फ़ायदा होगा, थोड़ा राहत मिलेगी, बट हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसमें ही पैडल मारना पड़ रहा है। आज हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है ये पूरा जो भी आज का दिन है, तो बहुत हवा चल रही है उसकी वजह से परेशानी हो रही है आज चलाने में, बट कोई नहीं, कभी कभी तो ऐसा दिन आता ही आता है, हर दिन अच्छा नहीं जाता है।
चैलेंजेस तो आते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही है, यही अपडेट है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे और आपको आगे का अपडेट देंगे फिर हम। सात बजने वाले हैं ऑलमोस्ट और अभी हम यहाँ पे लगभग आधे घंटे पहले पहुँचे हैं, 6:30 के आसपास। तो आज का विंड का प्रेशर तो आपने देखा ही कितना ज़्यादा था और फिर भी हमने 65 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। तो ये एक डिसेंट डिस्टेंस है जो हमने कवर किया है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी कर पाऊँगा, मेरे को लगा 50 किलोमीटर के आसपास हो पाएगा, बट 65 हो गया। मैं पैडल मारता गया धीरे धीरे, पता नहीं कब 65 हो गया। तो 6:30 के आसपास थोड़ा बहुत अंधेरा होने वाला था, अभी तो अभी भी पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं है। तो 3-4 होटल हैं यहाँ पे, तो उनमें से एक ये मुरलीधर होटल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आया और इन्होंने ही बोल दिया यहाँ पे रुकने के लिए। तो यहीं कहीं अपना टेंट वेंट लगा लूँगा, अगर खाट वाट मिल जाएगी तो खाट पे भी सो जाऊँगा, जैसा होगा वो तो देख लेंगे। तो वैसे आज का दिन काफ़ी थकान भरा रहा, काफ़ी टायरिंग था आज का दिन, बट ओवरऑल मज़ा आया। रास्ते में अच्छे अच्छे लोग मिले और कल यहाँ से 135 किलोमीटर है भावनगर, तो देखते हैं कल पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं। अगर विंड का प्रेशर नहीं रहा तो कल सुबह जल्दी निकल के उसको कवर कर लेंगे और वहाँ पे चलिए कहीं पे स्टे करेंगे। और फिर परसों भावनगर से फेरी चलती है सूरत की तरफ, तो हम सोच रहे हैं उससे जाने के लिए, सोच क्या रहे हैं, अगर चल रही होगी तो 100% है कि हम उसी से जाएंगे। एक अलग एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों के लिए भी एक अलग तरह का कंटेंट मिलेगा। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उससे जाने के लिए। पहली बार फेरी से, शिप से मैं समुंदर में जाऊँगा। वो द्वारका से बेट द्वारका गया था, बट वो तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था और बोट थी वो, और ये प्रॉपर एक फेरी है, शिप है, तो इसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो वो तो खैर कल की परसों की बात है, अभी फ़िलहाल आज का दिन हमारा ऐसा ही था, आपने देखा ही 65 किलोमीटर कवर किया है। अभी यहीं पे खाना पीना खा के सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।